टू माय चैनल प्योर वेज विद आरती। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही यूनिक रेसिपी छोले की। तो फ्रेंड्स, हम लोग बोलते हैं कि हमारे छोले काले नहीं बनते, या तो उसमें कलर डालना होता है या फिर चाय पत्ती का यूज़ करना होता है। तो ये रेसिपी चाय पत्ती वाली मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, और आज हम बनाएंगे बिना किसी कलर के, बिना चाय पत्ती के ही एकदम काले छोले, बिल्कुल हलवाई जैसे। तो यहाँ पर मैंने देखिए छोलों को उबाल लिया है, और उबालते हुए मैंने थोड़ा सा नमक और तेज़पत्ता और बड़ी वाली काली इलायची का यूज़ किया है इसमें। तो इनको मैंने 6-7 सीटी इनमें लगाई थी और अच्छे से बॉईल हो गए, उनको मैंने निकाल लिया है। तो अब चलते हैं हम इनको फ्राई करने की तरफ। यहाँ मैंने एक बड़ा पैन ले लिया है, उसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है। तो जो आप ऑयल यूज़ करते हैं आप वो ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे हम। फ्रेंड्स, इसमें जो ट्रिक लगाई है वो बिल्कुल मैंने एक हलवाई से जैसे देखा था बना के, तो बिल्कुल वैसे ही मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ। तो देखिए, तेल गर्म हो चुका है, यहाँ पे मैंने लिया है ज़ीरा, और ज़ीरे को अच्छे से चटकने देंगे, और यहाँ थोड़ी सी हींग ली है। तो जब ये अच्छे से चटकने लगे, तो यहाँ पर एक छोटा टुकड़ा लिया था अदरक का, तो उसको बारीक काट लिया है, वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। बहुत थोड़ी सी हल्दी का यूज़ मैंने यहाँ किया है। तो इनको अच्छे से चला देंगे ताकि मसाले अच्छे से हमारे पक जाएं। तो देखिए, अदरक जब हमारी अच्छे से भुन जाए यहाँ पे, तो हम डाल देंगे यहाँ पे थोड़ा सा धनिया पाउडर। तो ये थोड़ा मोटा पिसा हुआ धनिया पाउडर है, आप चाहें तो मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है ये छोला मसाला। छोला मसाले की रेसिपी मैंने पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वो छोला मसाला मैंने यहाँ पे ऐड किया है। तो अभी सारे मसाले जब हमारे अच्छे से पक जाएं, तो हम यहाँ पे टमाटर का पेस्ट लेंगे। तो ये दो बड़े टमाटर थे, उनको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, अब वो यहाँ पे ऐड कर देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी भी कलर या चाय पत्ती का यूज़ नहीं होने वाला है, और हमारे छोले एकदम काले बनके तैयार होंगे। तो देखिए, मसाला हमारा अच्छे से ऑयल छोड़ने लगा है। तो देखिए, मसाला जब अच्छे से ऑयल छोड़ने लगे, तो समझ लीजिए मसाला हमारा अच्छे से पक गया है। और अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे जो छोले हमने उबाल के रखे थे। तो सारे छोले मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं इसमें, और अच्छे से इनको मिक्स कर देंगे ताकि हमारे जो छोले और मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएँ। तो फ्रेंड्स, आप इनका कलर भी देख सकते हैं बिना किसी चीज़ के भी। और एक न्यू ट्रिक इसमें अभी आने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जो हलवाई लोग बनाते हैं ना अपने छोलों को काले करने के लिए, यहाँ पर मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लिया है। तो नमक आप अपने हिसाब से डालें, क्योंकि मैंने बॉईल करते टाइम भी इसमें थोड़ा नमक का यूज़ किया था, और अभी तो जैसा आपके घर में नमक खाया जाता है वैसा आप यहाँ पर डाल दीजिए, और इनको अच्छे से हम बॉईल होने देंगे। और यहाँ पे लिया है थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा पाउडर। तो ज़ीरे को इजीली घर में आप भून के उसका पीस के उसका पाउडर बना सकते हैं, अगर मार्केट वाला है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इनको पकने देंगे। अब चलते हैं हमारी जो इसमें न्यू ट्रिक है, जिससे कि हमारे मसाले वाले छोले एकदम ब्लैक बनेंगे हलवाई जैसे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा धनिया पाउडर, और थोड़ा सा यहाँ पे रेड चिल्ली पाउडर। तो अगर आप तेज़ तीखा खाना पसंद करते हैं, तो यहाँ पे रेड चिल्ली पाउडर का ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा ही यूज़ किया है, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा तीखा नहीं खाया जाता है। इसको अच्छे से हम भून लेंगे। तो धनिया और हमारा मिर्ची पाउडर को हमें तब तक भूनना है जब तक ये बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर में ना जाए। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और फिर बताइएगा कि आपके छोले बिल्कुल ऐसे ही बने कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 1 से 2 मिनट मसाले को भुना है, और उसका कलर आप देख सकते हैं हल्का ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। बस और थोड़ा डार्क कर लेते हैं बस इसको। तो यहाँ पे देखिए, हमारे छोले भी अच्छे से पक रहे हैं।
तो इनको अच्छे से एक बार चला देंगे। और यहाँ पे जो हमने मसाला बनाया है वो मसाला हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो अगर देखिए आपके छोलों की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप थोड़ा मसाला ये ज़्यादा बना सकते हैं। और ये मसाला मैंने एक शादी में देखा था एक हलवाई को बनाते हुए, तो बस वही चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी चाही है। और मैंने इसको यूज़ भी किया है बना के, बहुत ही अच्छे और टेस्टी और बिना किसी कलर चाय पत्ती के एकदम ब्लैक छोले हमारे बन के तैयार होते हैं। तो बस इसको अच्छे से चला दीजिए। और देखिए बस 5 से 7 मिनट आप इसको पका लीजिए और ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो देखिए मेरे छोले बनके एकदम तैयार हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।